हाय फ्रेंड, गाड़ी आज हमारे पास मारुति सुजुकी वैगनर है। गाड़ी में कस्टमर कंप्लेन है कि पावर विंडो नहीं चल रहा है फ्रंट राइड का, और यहाँ पे देखेंगे तो इसका बटन है यहाँ पे, इसको नीचे कर दूंगा तो नीचे रहता ही रह सकते हो, और ऊपर करेंगे तो ऊपर ही रह जाता है। यहाँ पे देख सकते हो, जैसे नीचे कर देते नीचे ही रहता है, और ऊपर कर देते तो ऊपर ही रहता है। तो ये कंप्लेन है, ये लूज हो गया पूरा, यहाँ पे देख सकते हो। तो आज हम इस बटन को खोलेंगे और रिपेयर करेंगे, बटन को खोलता हो और इसको रिपेयर करेंगे, और क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर वो भी दिखाऊंगा आपको मैं। यहाँ पे मैं कवर खोल लेता हूँ, यहाँ पे हम लोग दो स्क्रू आते हैं खोल लेंगे। यहाँ पे तीन स्क्रू आते हैं, एक दो तीन, इसको खोल के बटन को बाहर निकाल लेंगे। निकाल लिया है, बटन में प्रॉब्लम है, ये देख सकते हो। ऊपर कर रहा हो ऊपर ही रह जा रहे हैं, और नीचे कर रहा हो नीचे ही रह जा रहे हैं। तो आज इसको हम बनाएंगे, देख सकते हो पूरा फ्री हो गया है, इसको रिपेयर करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो इसका जो पॉइंट रहता है ना वो टूट गया है, ये वाइट कलर का पॉइंट है, ये टूट गया है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। ये टूट गया है और आधा है इधर है, यहाँ पे देख सकते हो आधा पॉइंट इधर है टूटा हुआ। इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे और इसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मेरे पास दूसरा पॉइंट है, ये देख सकते हो आप लोग, और इसको इसमें इंस्टॉल करूँगा। यहाँ पे इसको लगा देंगे, ये मैंने फिक्स कर दिया है, और अभी इसका अंदर से लेवल लेके प्रॉपर डाल देंगे उसको। यहाँ पे देख सकते हो जो बटन का हमारा प्रॉब्लम था स्टक होने का, वो बराबर हो गया, प्रॉपर अपनी जगह पे आके रुक रहा है वो, और अप डाउन भी बराबर हो रहा है। अभी इसको मैं एक बार ऐसे टेम्परेरी लगा के देखता हूँ। यहाँ पे देखेंगे, अभी पावर विंडो चल रही है, यहाँ पे देख सकते हो पावर विंडो हमारा वर्किंग हो गया है। यहाँ पे देखेंगे ऑटो सिस्टम, देख सकते हो प्रॉपर हो रहा है वो। अभी जो नीचे जाने का प्रॉब्लम था, नीचे जाके रुक जाता था, वो नहीं हो रहा है। ऊपर करूँगा तो ऊपर होएगा, और छोड़ूंगा तो अपनी जगह पे बराबर जाएगा वो, देख सकते हो बराबर गया है। और अभी नीचे करूँगा तो रिटर्न अपनी जगह पर आता है। तो बटन का प्रॉब्लम था, बटन बना दिया है, तो अभी इसको मैं फिटिंग कर लेता हूँ। हम लोग इसको लगा देंगे प्रॉपर, अभी मैंने बटन फिक्स कर दिया है, और अब इसको फिटिंग कर देंगे।
बस बंद कर दो। फाइनली फिटिंग कर दी है और अभी फिटिंग करने के बाद देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हो वारंट डोर बराबर हो गया और यहाँ पे ऑटो सिस्टम उसका चेक करेंगे, नीचे पुश करके छोड़ देंगे और ऑटो चलते के देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ऑटो सिस्टम भी चालू है और बटन अपने जगह पे स्टेबल है। यहाँ से दिखाओ, यहाँ पे देख सकते हो एकदम स्टेबल हो गया, जहाँ पे छोड़ते वहीं पे रुकता है अपने जगह पे आके। जो हमारा प्रॉब्लम था ऊपर करने के बाद ऊपर रह जाता था और नीचे करने के बाद नीचे रह जाता था, वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। और जिसका हम लोगों ने जो पार्ट चेंज किया है वो ये पार्ट है, टूट गया है, ये रिप्लेस करना पड़ता है और हमारा बटन बन जाता है। मारुति की गाड़ी के बन ही जाता है 100%। गाइस फाइनली हमारी गाड़ी रेडी हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।